नमस्कार, आपका स्वागत है 108 यूनाइटेड लीड इंडिया में। अभी हम खड़े हैं कन्या प्रधान के सेट पे और वहाँ पे हम कुणाल सिंह राजपूत से मिलने वाले हैं जो कन्या प्रधान के मुख्य कलाकार हैं और उनके एक नया रिसेंटली एक फिल्म भी आए थे तीन से आने। तो हम उनसे जानते, पहले तुम जाने कन्या प्रधान के बारे में, शो के बारे में, फिर उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये आधा घंटा का शो है कन्या प्रधान जी, गंगा पे आता है, सो हिट है। तो हिट होने के कारण किसी एक का नहीं होता है, एक कलाकार मुख्य होता है। Correct. तो सर आपके कारण से भी यही शो हिट हुआ, कैसा लग रहा है सर? देखिए, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ आप लोगों से, मैं सबसे पहले लीड इंडिया जो ये चैनल है इसके सभी दर्शकों को, इसकी पूरी टीम को नमस्कार करता हूँ। और जैसा कि आपने सवाल किया कि कोई भी शो हिट होता है तो उसके पीछे सिर्फ कलाकारों का ही नहीं, स्पॉट से लेके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पूरी यूनिट जो हमारी होती है 100-150 लोगों की, उसके हर एक शख्स का उसमें हाथ होता है। सबकी मेहनत होती है, सबकी ईमानदारी होती है। जिस ईमानदारी से हम दिन रात काम करते हैं वो ईमानदारी ही होती है जो हमें व्यूवर्स पसंद करते हैं, तो वो हमें सफल बनाती है। सर ये सफल शो है, सफल आप भी है, सफल इंसान के साथ हम बात कर रहे हैं। तो सर ये जो सफल शो है सर, इसके बारे में कुछ बताएं, ये शो किसका है और ये आप कब से कर रहे हैं, आपकी क्या कला यानी क्या भूमिकाएं हैं इसमें, और ये अभी स्टोरी जो कहानी है अभी क्या चल रहा है? देखिए, हमारा ये जो शो है इसको लगभग 250 प्लस एपिसोड्स हो चुके हैं अभी तक, और पिछले एक साल से ज़्यादा वक्त होने वाले हैं हम ये शो कर रहे हैं। लास्ट ईयर जुलाई में हमने ये शो शुरू किया था और नेक्स्ट मंथ से ऑन एयर हो गया था ये शो, नेक्स्ट लास्ट ईयर। तो शो है पार्थ प्रोडक्शन, जो कि एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिनोन प्रोडक्शन हाउस है हमारी इंडस्ट्री का, पार्थ प्रोडक्शन, संतोष सिंह रोशल जी जो कि इसको चलाते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रेडी किया, चैनल ने इसको अप्रूव किया और फिर कलाकारों को अप्रोच किया गया। और यकीन मानिए कि जिस तरह से ये कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी कैरेक्टर्स हैं उस शो में, हमारे इस सीरियल में, तो जितने भी कलाकारों को अप्रोच किया गया, जितनी भी कास्टिंग की गई, आप बिल्कुल परफेक्ट कास्टिंग की गई। जैसे भी जो कैरेक्टर थे कहीं ना कहीं हूबहू वो उतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उतना अच्छा दिख रहे हैं। और अब तो व्यूवर्स ही नहीं, हमारे सेट पे और हर जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ, पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आपसे, कि सब जो ये शो देखते हैं वो यही कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि हम कुणाल सिंह राजपूत को नहीं देख रहे हैं, हम तो जगत को देख रहे हैं। तो बहुत खुशी मिलती है कि दिन रात हम अपनी फैमिली को छोड़कर, मतलब अपनी फैमिली से कहीं ज़्यादा वक्त हम अपने यहाँ सेट पर बिताते हैं। तो एक तरह से हमारी फैमिली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ की चीज़ें हो जाती हैं हमारे लिए। तो इतना मेहनत करने के बाद में जब सामने से अप्रिशिएशन मिलता है उस चीज़ का, तो हमें दिल से बहुत खुशी होती है। बोलते हैं जो फिट है वही हिट है, आप करेक्टर में फिट है इसलिए हिट है, आपका मेहनत भी साथ में रंग ला रहा है इसलिए भी शो हिट है। तो सर हम इस शो का तो हो गया कन्या प्रधान, आपके मेहनत के कारण से हिट है आप में सर ये, लेकिन ये जो आधा घंटा में आपको 5-10 मिनट का सीन आपका भी होता है, हाँ। तो सर ये इस 5-10 मिनट के लिए आपको मेहनत कितना करना पड़ता है? देखिए, मैं लीड इंडिया से जुड़े सभी लोगों को ये साफ बताना चाहता हूँ कि सिर्फ हमारा यही काम नहीं, काम कोई भी हो, जब तक आप पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उस काम को नहीं करते हैं, तब तक उस काम को उस मकाम तक आप नहीं पहुँचा सकते हैं। और रही हमारे काम की बात, तो एक छोटा मेंबर जो हमारे यहाँ होता है, एक छोटा यूनिट जो स्पॉट का होता है, शुरुआती लेवल पहली सीढ़ी वो होती है, वो भी जब से सेट पर सबसे पहले आएगा और सबसे बाद में जाता है वो, तो पूरी मेहनत के साथ वो काम करता है। हम कलाकार अपने स्क्रिप्ट को, अपने कैरेक्टर को पूरा उसको देखते हैं और कैसे परफॉर्म करना है, कैसे उस चीज़ को हम और अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके दर्शकों के दिल में अपने अपनी जगह बना सकते हैं, वो हम उस चीज़ को देखते हैं और उसके बाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारी मेहनत सार्थक होती है, उसके लिए मेहनत सभी करते हैं। 15-16 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, अभी तक कुछ 10 से 12 टीवी शोज मैंने एज अ लीड किए हुए हैं। 4 फिल्में मेरी एज अ लीड आ चुकी हैं। रिसेंटली अभी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसका नाम है 3 शयाने,
जिसमें रज़ा मुराद, असरानी जी, टीकू तलसानिया, राकेश बेदी, हिमानी शिवपुरी, जरीना वहाब, ब्रिजेश शेर जी, प्रियांशु, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे जो हमारे इंडस्ट्री के धुरंधर कलाकार हैं जिन्होंने एक अच्छा मकाम बना लिया है, जिनको आप बहुत अच्छे से उनके काम के वजह से पहचानते हैं, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला एज अ लीड। मैंने वो फिल्म कम्प्लीट की और अभी 27 मई को वो फिल्म रिलीज़ हुई, आप लोगों के बीच आई, और मुझे बहुत खुशी है आपके इस चैनल के थ्रू अपने लोगों को बताने में कि उस फिल्म को बहुत सराहा गया। एक यूथ बेस्ड फिल्म थी वो, तीन लड़कों के ऊपर डिपेंड थी कि कैसे लोग, आज के जो यूथ हैं वो कम समय में बहुत कुछ जल्दी हासिल करने के चक्कर में इमोशंस को, परिवार को, फीलिंग्स को भूल के कहाँ चले जाते हैं, और फिर जब वो ठोकर खाते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि नहीं, असली दौलत वो पैसा नहीं होता है, असली दौलत होता है हमारा परिवार, हमारी हमारे परिवार के साथ जो हमारी बॉन्डिंग है, हमारी फीलिंग्स, हमारी खुशियां, वो तो ऐसी ही वो फिल्म है। और बहुत लोगों ने सराहा मेरे काम को, बहुत लोगों ने पसंद किया, तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, हाल ही में जो फिल्म आई थी तीन सियाने, लोग ने भी बहुत सराहा, मैंने भी देखा, बहुत अच्छा फिल्म है, और मुझे लगा जो कि आपका अभिनय जो है अति उम्दा क्वालिटी का है, तो अच्छा है सर। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर इसके अलावा आप क्या क्या किन किन प्रोजेक्टों पे काम कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल रिसेंट में तो फ़िलहाल कन्या प्रधान कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा मेरी एक और फिल्म आने वाली है जो कि एक ऑडियो कंपनी थी, सोनोटिक, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी अच्छे अच्छे हिट ऑडियो दिए हैं उन्होंने, दिल्ली की कंपनी है, उनकी एक फ़िल्म चित्रगंधा जो मैंने लास्ट ईयर शूट किया है वो अब रिलीज़ के लिए तैयार है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, फैंटेसी है और कमाल की फिल्म है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट ही बड़ा कमाल का है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करूँगा अभी, और मैं चाहूँगा कि जब वो फिल्म रिलीज़ हो तब आप लोग जाएँ उसे देखें, और आई होप कि वो चीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सर, आप ऐसे ही नए नए फिल्म बनाते रहिए, लोगों को, दर्शकों को मनोरंजन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन सर, मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई है, आप अगर फिल्म लाइन में ना आते तो शायद आप क्या करते, आपकी ये दिली इच्छा शुरू से थी या बाद में आई? तो हम शुरू करते हैं कि सर आप कहाँ से रहने वाले हैं और कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुआ? जी देखिए, मैं बेसिकली हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, संगम नगरी भी कहा जाता है उसे, तीर्थराज प्रयाग बोलते हैं उसे, तो ऐसी पावन धरा से हूँ मैं। और मेरा बचपन, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा एजुकेशन सब कुछ वहीं हुआ, और स्कूलिंग करने के बाद में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही मास्टर डिग्री की इंग्लिश लिटरेचर में, और लिटरेचर से बहुत एक लगाव रहा है, संगीत से एक लगाव रहा है, संगीत यूँ कहूँ कि मेरी रगों में दौड़ता है, कला जो है सब कला के ही एक पार्ट हैं, तो प्रयाग संगीत समिति जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ से मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग भी ली है 2 साल, और थिएटर मैंने वहाँ, सचिन दा का थिएटर है वहाँ, लगभग मैंने 6 साल थिएटर किया है। और रही इससे जुड़े, इस विधा से जुड़ने की बात, तो शुरुआत में ही जब स्कूलिंग करते थे हम अपने स्टार्टिंग एजुकेशन के टाइम पे ही, तो मैं काफ़ी एक लगाव था मुझे, मतलब हम पढ़ाई करते रहते थे और जैसे हमारा एक पीरियड होता था जहाँ पे म्यूज़िक और इन सब चीज़ों का क्लास होता था, तो मैं वेट करता रहता था कि कब वो क्लास शुरू हो और कब हम भाग के जल्दी से वहाँ पर जाएँ और सारी चीज़ें, चाहे वो प्ले हो, चाहे वो कोई सॉन्ग परफॉर्म करना हो, कब हमें वो मौका मिले, तो एक शुरुआत से ही लगाव रहा है। और फिर वो करते करते धीरे धीरे, कभी सोचा नहीं था ये मैंने कि इस चीज़ को अपने प्रोफेशन में मैं आगे फ्यूचर इसी में देखूंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है। मैं अपने जो भी मेरा बैकग्राउंड है वो देखा जाए बिल्कुल अलग है, मेडिकल लाइन से मेरी मम्मी हैं, मेरे फादर भी मैनेजर हैं अलग कंपनी में, और कोई भी इस फील्ड से रिलेटेड या मुंबई के आसपास से कोई नहीं था। जब मैं थिएटर करता था तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था, और मैं ग्लैडरेक्स मिस्टर इंडिया 2006 में यहाँ पर एक इवेंट हुआ उसका, और वहाँ पर मुझे शॉर्टलिस्ट करके बुलाया गया, और उसके थ्रू मैं यहाँ पर आया वडाला में। वहाँ पर बिना किसी तैयारी के, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं लास्ट 4th राउंड तक पहुँचा, और मैं जब अपने आप को, मैंने सोचा कि यार जब बिना किसी तैयारी के मैं लास्ट 4th राउंड में पहुंच सकता हूं, तो मैं और अपने आप को पॉलिश करूं, थोड़ा सा और अच्छा अपने आप पर वर्कआउट करूं, तो क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो था मेरा वो पहले से ही बहुत ज़्यादा हाई था, बूस्ट था मेरा। और फिर धीरे धीरे करते करते मैंने क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, एक वेल नोन इंस्टीट्यूट है महाडा में, अंधेरी में, विदुर जी, समर सर, समर सिंह, रुपेश थापलियाल, ये हमारे टीचर रहे, उन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी,
और फिर उसके बाद मैंने एक्टिंग में मेरा जो पहला ब्रेक रहा है अगर उसके बारे में बात करूं तो सागर, रामानंद सागर साहब, जिनको तो सब अच्छे तरीके से जानते हैं जी, तो उनके उनकी फिल्में, उनके टीवी शोज़ को मतलब एक तरह से आधार हैं वो इंडस्ट्री के। तो मैं बहुत लकी हूं कि उनके ज़रिए मुझे मेरे काम का, मेरे प्रोफेशन का पहला ब्रेक मिला। जय जय शिव शंकर उनका एक टीवी शो था जो कि ठाकुर परिवारों की कहानी थी, वो शो मैंने एज अ लीड किया, पहला मेरा एज अ लीड ब्रेक था वो। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर वाले का साथ, लोगों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद और खुद की लगन, खुद की मेहनत और अपने काम के प्रति ईमानदारी ने मुझे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया। उसके बाद मैंने बालाजी का एक शो किया, फिर मैंने कॉन्टिलो का एक शो किया, स्वास्तिक का शो किया। तो ऐसे ही करते करते लगभग 10-12 शो मैंने एज अ लीड पैरल लीड किए हैं, 3-4 फिल्में जैसा मैंने बताया वो किया। और मैं लकी हूँ कि मैंने लगभग 2006 में आने के बाद लगभग मुझे मेरा ब्रेक मिला 2010 में, तो लगभग 4 सालों का एक जो लंबा अंतराल था 6 से 10 का, उन 4 सालों में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कभी कभी मायूस भी हो जाया करता था। मैं अगर सच बताऊं तो उस वक्त को मैं अगर वापस फ्लैशबैक में जाता हूं तो मुझे, मैं आप सोचिए, मैं भाईंदर में रहा करता था और हाँ, और वहाँ से लोकल ट्रेन की ऐसा चीज़ें रहती थी और लोकल ट्रेन से निकलता था, तब लगभग तारदेव और मुंबई सेंट्रल और बैंड्रा में ज़्यादा सब कुछ रहा करता था। अंधेरी में कुछ हमारे ऑफिसर्स होते थे जो टीवी शो से रिलेटेड होते थे, हम जाते थे और हार्ड कॉपी होती थी, समझ लीजिए हमें जो पैसे आते थे घर से और उन पैसों में ही हमें अपना गुजारा भी करना होता था। और तब ये सॉफ्ट कॉपी या मेल और इन सब चीज़ों का ज़माना नहीं था, तब ज़्यादातर हर जगह हमें हार्ड कॉपी छोड़नी होती थी। तो हम लगभग सस्ते रेट में जहाँ पे हमें कम स्टूडियो से प्रिंट आउट मिल जाता था, फ़ोटो कॉपी मिल जाती थी, हम बंडल भर के पूरा प्रिंट आउट निकालते थे और बैग में मैं कुछ फ्रूट्स होते थे, मतलब फ्रूट्स भी उस समय तो फ्रूट्स तो पैसे जो होते थे उतने नहीं होते थे, मिडिल क्लास फैमिली से हम थे, तो ककड़ी है, गाजर है और ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ी, हाँ सीजनल फ्रूट है, टोमेटो है कि मतलब आपके स्वास्थ्य को भी हानिकारक ना हो, गाजर और ये सब, ककड़ी, ये सब हम अपने बैग में भर लेते थे। और मेरे 2-4 जो साथ थे अभी भी वो काम कर रहे हैं टचवुड, उसमें से 1-2 लोग, तो हम निकल जाया करते थे और जहाँ भूख लगती थी हम बैठ के बस वही खा लिया करते थे और ऑफिसों में जा जा के वहाँ पे, सर हेलो सर, दिस इज़ कुणाल सिंह राजपूत और सर कुछ अच्छा काम हो अगर आपके पास तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो हाँ हाँ हम बताते हैं, करते हैं, ठीक है ठीक है, आप अपना एक फ़ोटोग्राफ दे दीजिए, उसके पीछे नंबर और कांटेक्ट डाल दीजिए, मेल आईडी डाल दीजिए, जो भी चीज़ें, हम वो करके बहुत उम्मीद के साथ वहाँ से जाया करते थे। अगर दिन में 4-5 जगह हमने ऐसा कर दिया और लोग हमें मिल के, एटलीस्ट कुछ लोग तो उसमें से बोलते थे नहीं 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 प्लीज़ सॉरी नहीं, वो सेल्समैन टाइप का समझ के इंटरटेन ही नहीं करते थे, कोई नहीं, बुरा लगता था क्योंकि कभी ये दौर देखा नहीं था ये सब चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि कुछ अच्छा करना है तो ये फेज़ देखना है, अपने आप को निराश नहीं होने देता था। तो वो सब चीज़ें कर करके फिर हम वापस आए और लगभग 4 सालों के बाद जो मुझे पहला ब्रेक मिला, मैं आपको बताना चाहूँगा वो इंसिडेंट कैसा रहा। मैं सागर साहब का ऑफिस था विले पार्ले में, और जी 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 कपूर बैंक के पास में, तो जी 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 तो मैं अपने घर पे था और मेरा एक फ्रेंड है जो थाने में उस समय रहा करते थे, वो बहुत पैशनेट थे एक्टिंग को लेकर, तो उनका फ़ोन आया मेरे पास में कि कुणाल, और बहुत बारिश हो रही थी, कुछ 1 जुलाई अगस्त का सीज़न था, तो उन्होंने कहा कि कुणाल सागर वाले कुछ एक शो बना रहे हैं यार, तो ना उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है उसमें ठाकुर का जो करेक्टर निगेटिव के लिए, तो उसके लिए मुझे बुलाया, तो क्या साथ में चलोगे यार, तुम रहते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे बूस्ट मिलता है, हाँ हाँ, तो हाँ वही इसीलिए, और जबकि मेरा कुछ लेना देना नहीं था, तो बस सिर्फ अपने दोस्त के लिए मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं चलो चलते हैं, घर पर बैठा हूँ कोई बात नहीं। बारिश हो रही थी, हम बारिश में लगभग ट्रेन में गए, थोड़ा थोड़ा भीग गए थे और फिर वहाँ से पैसे नहीं होते थे कि हम ऑटो रिक्शा वगैरह करके जाएं, तो हम पैदल ही ज़्यादातर सफ़र करते थे, 8-10 किलोमीटर हम दिन में कब चल लेते थे हमें पता नहीं चलता था। तो वहाँ से स्टेशन से पास में ही था वो, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास था, तो हम वहाँ से उनके ऑफिस में गए और भीगे हुए थे, शिशिर करके वहाँ पे, शिशिर और अशोक करके वहाँ पे कास्टिंग वाले थे 2 बंदे, तो हम गए और वहाँ पे वो जाके उस बंदे को स्क्रिप्ट दिया कास्टिंग वाले ने, मेरे दोस्त को, वो उसने स्क्रिप्ट लिया और मेरे से पूछा कि भाई ऐसे कैसे इसको बोलूँ मैं और कैसे क्या कैसे ठीक रहेगा, तो मैंने लिया स्क्रिप्ट और मैंने उसको वो बताया, तो वो कास्टिंग वाला कहीं ना कहीं से वो चीज़ें देख रहा था जिस तरह से मैं उसको पिच कर रहा था, चीज़ें बोल रहा था, फिर उसका ऑडिशन लिया और ऑडिशन दे के हम जाने लगे, तो उस बंदे ने सामने से कास्टिंग वाले ने मुझसे कहा कि सर आप भी आर्टिस्ट हैं, तो मैंने कहा हाँ भाई आर्टिस्ट हूँ, तो क्या आप नहीं करना चाहेंगे हमारा शो,
तो मैंने कहा नहीं आप निगेटिव ढूंढ रहे हो, विलन चाहिए आपको, यार मैं हूँ थोड़ा पॉजिटिव और सॉफ्ट कैरेक्टर। आज से लगभग सोचिए 14-15 साल पहले की बात है, 12 साल पहले की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो हीरो चाहिए ना वो, उसके लिए हम आपको देख रहे हैं और बिल्कुल आपकी तरह ही, हमें थोड़ा सा गाउंटी लुक वाला, और उस समय एकदम वैसा ही था, तो गाउंटी लुक और सॉफ्ट स्पोकन और बिल्कुल डिसेंट सा बंदा चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो हल्का हल्का शेव थी मेरी। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करेंगे, थोड़ा सा इसको क्लीन शेव करा लेंगे। तो मैंने कहा कि यार मैं तो अभी कुछ लेके नहीं आया, और उस समय आप समझते हैं कि बैंड्रा और पार्ला में क्लीन शेव भी मतलब शेव कराने जाएंगे तो आप, उस समय की बात है, तो मुझे लगता है शायद तब 100 रुपये लगते रहेंगे वहाँ पे क्लीन शेव के, और पैसे थे नहीं। तो मैंने उससे बहाना बनाया कि यार अब मैं काम करूँ, मैं कल आ जाऊँ क्या? तो उस बंदे को लग गया कि कहीं ना कहीं कुछ तो है इस बंदे का, या तो पैसे नहीं है या तो कुछ है, ये बहाना बना रहा है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, भगवान का एक आशीर्वाद कह सकता हूँ मैं, कि उस बंदे ने मुझे खुद कहा कि ये काम करिए सर, मैं चलता हूँ आपके साथ। उस बंदे ने मुझे, पता नहीं उसके अंदर क्या आ गया था, क्या देख लिया था उसने मुझ में, उसने खुद वहाँ से निकल के सामने गया, एक सैलून था वहाँ पे, और ये देखिए बैड लक की थर्सडे का दिन था, वहाँ पे वो बंद रहता था सैलून, या लंच वंच का टाइम था वो बंद करके, लेकिन अंदर ही रहते थे वो लोग। तो उसने नॉक किया बाहर से, खुलवाया जो कि ऑफ टाइम था, खुलवाया उससे सामने से रिक्वेस्ट करके, उसने मेरा शेव करवाया, ठीक है शेव करवाया, फिर वापस हम ऑफिस में आए, और फिर उसने ऑडिशन लिया, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। ऑडिशन दे के, और मेरा दोस्त भी, उसका कुछ नहीं हुआ, मैं घर पहुंचा और नेक्स्ट डे मेरे पास फ़ोन आया कि सर आप शॉर्टलिस्ट हुए हो, सर आपका ये बजट रहेगा, सर क्या आप बजट ओके हो? तो मैं तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं थे कि यार एक भिखारी के सामने अगर आप कुछ, उसको क्या है, बिगर्स आर नॉट चूजर्स, वो कुछ नहीं होता कि यार। तो मैं तो तलाश ही रहा था, और सागर साहब का यार प्रोडक्शन इतना बड़ा, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया कुछ टाइम तक, मैं एकदम अवाक रह गया। और फिर उसके बाद मैंने कहा बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ, और मैं आंसू निकलने लगे मेरे, मेरी बहन थी उन्होंने मुझे काफ़ी कंसोल किया। फिर उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने बोला सर आप शाम को ही आ जाइए, हमें एग्रीमेंट करना है, और कल कल आपको बड़ौदा निकलना होगा। तो फिर मैं शाम को भागते भागते गया वहाँ पे, मैंने एग्रीमेंट साइन किया, और एग्रीमेंट साइन करने के बाद में फिर मैं नेक्स्ट डे मतलब घर आया, और फिर अगले दिन मैंने पैकिंग वैकिंग करके फिर उसके बाद बड़ौदा निकले। और भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, वो शो बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया, और फर्स्ट शो से ही मुझे बहुत अच्छा नेम फेम, और बहुत लोगों ने एक आशीर्वाद दिया अपना।